हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज का जो ये व्लॉग है ना, ये मैंने शाम के टाइम से शुरू किया है और शाम को ही रात होते होते तक जो है ये एंड कर दूंगी, क्योंकि कल जो है मुझे आप लोगों तक ये पहुंचाना भी ज़रूर है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। आपको पता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं वैसे तो घर का कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़रूरी कोई काम हो जाता है तो देखो कोई परहेज़ भी नहीं हो रहे हैं, मैं करती भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चय के पापा के आने का टाइम हो गया था और उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि रोटी बनी है, तो मैंने कहा कि नहीं बनी रखी। तो फिर बोले कि ठीक है, मैं अपने लिए समोसे ला रहा हूँ, तू चाय बना दे तब तक। तो बस चाय मैंने ढक के रख दी है क्योंकि वो अभी आए नहीं थे चाय बनने तक। जब फ़ोन आया था ना उनका, तो बोल ही रहे थे कि बस मैं आने वाला हूँ 10 मिनट में, तू बना ले। और फिर जो है ना, मैंने ये कुछ सामान मंगाया था तो 5-10 मिनट इसमें लग गए। ये अपने लिए समोसे लेकर के आए हैं जो कि मैंने बिल्कुल नहीं मंगाए थे भाई, ना मुझे खाने हैं। और ये त्रिश के लिए बॉटल मंगाई थी, तो इसमें जो है आज उसको दूध दे के देखेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ, मैं अपना दूध नहीं पिला पा रही हूँ उसे। तो देखो ये ना, किचन के सारे काम तो अभी निपटा के चले गए हैं, बर्तन बर्तन सब कर दिया है, लेकिन वही है कि एक आदमी और औरत में यही फ़र्क होता है। मतलब जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना, वो इन्हें समझ नहीं आते कि हाँ ये भी करने ज़रूरी हैं। इसमें क्या है, पहले चेक कर लेती हूँ सारी चीज़ें। इसमें थोड़ा सा दूध है, इसमें लस्सी होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे काम मैं भी नहीं कर रही हूँ, निश्चय के पापा भी घर पे नहीं है तो काम कर कौन रहा है? तो देखो ऐसा है कि मिलजुल के दोनों ही कर रहे हैं, ये निश्चय की माँ और निश्चय के पापा। तो क्या है ना कि सुबह के काम तो झाड़ू हुए, बर्तन हुआ, त्रिश को नहलाना हुआ, ये तीनों काम तो जो है मम्मी ने ही कर दिए थे आज। और फिर बाद में देखो कपड़े भी हो जाते हैं, बच्चा नहाया है तो। और फिर उसके बाद जो है ना, मैं तो लेटी ही थी आज पूरा दिन, मेरे से नहीं उठा गया था। अब शाम को जो है ना, खाना तो मेरी देवरानी ने बना दिया था, मेरी देवरानी दे के गई थी। और उसके बाद जो बर्तन हुए थे वो निश्चय के पापा ने कर दिए थे। थोड़ा सा किचन मुझे फैला फैला सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा समेट देती हूँ, क्योंकि कल सुबह के लिए भी ये था कि क्या करे क्या ना करे। और निश्चय की, मैं आपको एक बात बताऊँ, निश्चय इतना कोऑपरेटिव बच्चा है, इतना कोऑपरेटिव बच्चा, मेरे को ये कह रहा है मम्मा जो रात की रोटी बच गई है ना, आप सुबह वही दे देना, पापा को ये बोल दो कि मुझे वो बस थोड़ी गर्म करके और टिफ़िन में वही दे देना और यही वाली सब्जी दे देना। मुझे इतना मतलब हैरानी हुई कि कितना समझदार है यार ये बच्चा, वरना बच्चे टिफ़िन ले जाने में इतने नखरे कर देते हैं। और ये कुछ पैकेट वाली चीज़ें हैं जो कि लगभग ख़त्म सी हो रही थी। और ये देखो मैंने दो चाकू से ट्राई कर ली, पता नहीं ये चाकू ही ख़राब हो गए दोनों एकदम से, या मेरे हाथों में ये जान नहीं रही, मेरे से बिल्कुल खुले ही नहीं ये। तो फिर मैंने जो है ना कैंची उठा ली और कैंची से इनको काट के अब जो है ना डिब्बों में भरना शुरू कर दूंगी। और मिलजुल के भैया ऐसे ही कट जाएंगे ये 5-7 दिन, क्योंकि कोई जो है ना आने के लिए जल्दी से हाँ भरता नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है बट नहीं कोई यहाँ भरता, तो फिर क्या करें ये बताओ? जब किसी के पास टाइम ही नहीं है तो किसी को ज़बरदस्ती कैसे हम फांसी दे सकते हैं, है ना? तो जैसे तैसे है, अपने ऊपर पड़ती है तो टाइम अपने घर में ही निकालना पड़ता है, क्योंकि ये वाला चीज़ ऐसा है इसमें मैं मम्मी के पास भी नहीं जा सकती। उसका रीज़न ये है कि निश्चय को अभी जब माता निकली थी तो निश्चय की 10 दिन की छुट्टी उसमें हो गई थी, फिर जो है उसके हॉलीडे स्टार्ट हो गए थे, 5-6 दिन के वो थे, 15 दिन का गैप हो गया स्कूल का। वो बिल्कुल जो है ना मतलब बहुत लॉस में चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं अब भी अपने घर चली जाऊँगी तो। एक हफ़्ता तो कम से कम भी मुझे भी लगेगा ठीक होने में, या फिर उससे ज़्यादा भी 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। कल की जो वीडियो गई थी ना, उसको आपने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज कमेंट्स भी किए कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, टेक केयर बहन, बहुत अपना ध्यान रखना। विनीता रावत जी ने भी कमेंट किया कि प्रियंका ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है दी, अपना ध्यान रखना। और एक कमेंट ऐसा आया उसके बीच में जो कि मुझे मतलब एकदम से इमोशनल सा कर गया, वो कमेंट ये था कि प्रियंका मुझे सोच के डर लग रहा है कि आप ऐसी कंडीशन में 2 बच्चों के साथ में कैसे मैनेज करोगे। तो देखो जैसा टाइम आता है ना वैसा मैनेज करना पड़ता है और टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज हो भी जाता है। मैं त्रिश की साइड से थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि वो ना मेरी वजह से बंद सा गया है। क्या हो रहा है ना कि वो, मैं बेड पे ही रहती हूँ मोस्टली, तो उसको मेरे साथ बेड पे ही रहना पड़ता है। अब दूसरा इंसान उसको पकड़े या काम करे, है ना? हालांकि आज का ही दिन गया है ऐसा, और आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस 1-2 बार चाय बनाई थी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया है, तो एक्स्ट्रा ऐसा मैं कुछ दिखा नहीं पाई आपको। अगर वीडियो ना भी पसंद आए तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी देख लेना आप, थोड़े से दिन काम चला लेना, क्योंकि पता नहीं कि कितने दिन लग जाएंगे ठीक होने में। अभी तो मतलब अच्छी तरह से उभरी भी नहीं है, शुरुआत है।
और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ इस चीज़ को लेके, तो मेरे साथ इतनी बुरी वाली कंडीशन हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी जो ये बैक साइड होती है ना, निचला हिस्सा बैक का, एक तो यहाँ पे कमर बिल्कुल इस तरह से टूट गई है कि मतलब जैसे तो किसी ने ना, मतलब देसी भाषा में कहते हैं ना, लठ मार के तोड़ दियो। कल रोटी बेल रही थी ना, तो ये इतने ज्यादा दर्द कर रहे थे, एक रोटी बेलने भारी होगी। अभी आज जस्ट किचन में अभी चाय बिस्किट खाने थे मुझे, तो चाय तो निश्चय के पापा ने बना दी थी, और अब मैं थोड़ी सी त्रिश को ये खिला रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। बहुत तेज हंस रहा है, रुक जाओ, अभी यूँ कहूँगा बार बार करो। तो जैसे ही मैं नीचे से बिस्किट उठाने के लिए झुकी ना, आप यकीन मानना मेरे गोडों का बिल्कुल दम निकल गया। ऐसा हो गया कि जैसे तो मैं तो हिल ही नहीं सकती, मैं नीचे तक झुकूं कैसे। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये 2 दिन में इतनी हालत खराब कर देगा, लेकिन अच्छा मैं ये मानती हूँ शुक्र इस बात का है कि जब निश्चय को हुई थी ना, तो निश्चय को हंसनी खेलनी हुई थी, क्योंकि मैंने मतलब पूछा है किसी से और सुना भी है कि ये 2 तरह की होती है, एक तो हाड़ फोड़ के निकलती है, वो मोस्टली बड़ों को ही होती है जैसे मुझे हो रही है, और एक होती है मतलब हंसनी खेलनी बोलते हैं इसको, तो वो आसानी से निकल जाती है। क्योंकि निश्चय को भी एक आध दाना हमें कभी भी नहीं दिखा, कभी भी जब मैंने नहलाने के लिए कपड़े निकाले तो एकदम से पूरा भरा हुआ ही दिखा था, और मुझे जो है ना मतलब धीरे 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 करके निकल रहे हैं। अब 3 दिन हो गए मेरे को, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, तो वो यूं लगा लो एकदम हाड़ तोड़ तोड़ के निकल रहे हैं। मेरी हड्डियां जो है ना वो बिल्कुल तोड़ दी, और आज जो है ना कुछ काम ही नहीं करूंगी तो फिर वीडियो कैसे डाल सकती हूँ व्लॉग। हालांकि आप मेरे रूटीन व्लॉग्स बहुत पसंद करते हो बहुत ज्यादा, लेकिन अब ना मैंने यही सोचा कि चलो कोई वीडियो अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं ना पकड़ो बेटा प्लीज ऊपर नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए जैसे भी मेरी हालत है तबीयत है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना फिकर भी कर रहे थे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है डाल ही दूंगी। और मैं मतलब ये लगा लो आपकी बाकी सबका तो प्रॉमिस चलो कोई बात नहीं, टूट भी जाए तो देखी जाएगी, ये तो दुनिया है, लेकिन अब मैंने अपने खुद से प्रॉमिस किया था इस बार, लेकिन पता ना मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं 1 जनवरी से रेगुलर काम करूंगी, एक आध दिन देखो बीच में कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन पता नहीं भगवान ने ऐसा सोच रखा था या क्या कि भाई मुझे जो है ब्रेक लेना ही लेना है। कोशिश तो अब भी मेरी यही है कि ब्रेक ना हो पाए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के साथ बातचीत करके भी व्लॉग डाल दूं, तो जो है ना मैं रोज डाल दिया करूंगी। अगर आप इस तरीके से बोर हो जाते हो तो फिर नहीं डालूंगी, बाकी फिर जो है ना मेरी रेगुलरिटी खराब हो जाएगी और मैं बिल्कुल वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी जैसा कि पहले मेरे साथ हो गया था। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कमेंट में, कमेंट के रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा देर फोन में नहीं देख पा रही हूँ, बस फोन में उतना ही देख रही हूँ जो कि मुझे वीडियो का काम करना होता है, तो बहुत ज्यादा फोन मैसेज ये सब देखने में या बहुत ज्यादा किसी से फोन पे बात करने में ना मेरे यहाँ पे पेन होने लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं नहीं करती ज्यादा। तो कमेंट के रिप्लाई मैंने सोचा कि आज आपको यही कर दूं कि बहन आप किसी को बुला लो, तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता भाई, सबके घरों में अपने अपने काम इतने सारे हैं, किसी के बच्चे छोटे होते हैं तो वो ये कह देते हैं हमारे बच्चे छोटे हैं, तेरे भी छोटे हैं, हम मतलब तेरे को देखेंगे आके या बच्चे संभालेंगे, किसी के बच्चे बड़े हों तो वो ये कह देते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई, तो जैसे तैसे अपना गुजारा खुद ही करना पड़ेगा। निश्चय के पापा को उतनी ज्यादा ना तो कुकिंग आती है ना मतलब किचन से रिलेटेड काम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये कोशिश करके मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को। और निश्चय देखना आपके बाल तो ऐसे हो जाते हैं जैसे नहाए ही नहीं हो कई दिन से, निश्चय के पता है क्या कैप पहन के जाता है ना स्कूल में, और जैसे ही आके कैप निकालेगा ना तो ऐसे ही हो जाता है बिल्कुल बेपरवाह सा अजीब से हो जाते हैं, और मेरी उतनी हिम्मत नहीं है, और ना मुझे अभी ना तेल वेल के हाथ लगाना है क्योंकि खुशबू आती है ना तेल में से। अच्छा ठीक है बेटा, तो उन चीज खुशबू वाली चीज को हाथ नहीं लगाना। और एक चीज और कि मेरे को ना रात को नींद नहीं आती, मतलब मेरे सर में यूं रहती है खुजली बेचैनी सी रहती है क्योंकि सर में भी बहुत ज्यादा फुंसियां सी हो गई है और मुझे बाल कॉम करने नहीं है, तो बहुत अजीब सा मन हो रहा है कि करूं क्या ना करूं। एक तो वो उलझे हुए बालों की वजह से हो रही है शायद खुजली, और एक जो है ना मतलब सिर में जो फुंसियां हो रही हैं उनकी वजह से, उनमें तो इचिंग होती ही होती है, तो वो तो मेरी पूरी बॉडी में हो रही है यहां से लेके नीचे नीचे के हिस्से में। तो और तो मैं क्या ही बताऊं आपको, तो मैंने आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करी है, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, इतना सारा प्यार दिया वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच, और होप कि आपको सारी वीडियो के जवाब मिल गए होंगे, तो छोटा मोटा जैसा भी बन पाएगा वैसा ही वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हाँ एक बहन ना ये भी बोल रही थी, कौन बोल रहा था, मे बी पूजा चोपड़ा ने बोला या किसने बोला कि
कि दी अपनी मम्मी को बुला लो, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मेरे को ये लगता है कि यार, मतलब मैंने इनको बोला भी था, फिर ये बोले कि मम्मी कौन सी छोटी है, वो भी बड़ी ही हो रही है ना। और सर्दी का टाइम और बड़ा शरीर, दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है जब हमारे से हमारा ही नहीं हो रहा, तो है ना, आप समझ सकते हो। तो इसलिए फिर हम किसी को भी नहीं बुला रहे हैं, तो कोई नहीं आने वाला है। ये देखो, इसको बिल्कुल आफत हो रही है कि मम्मा के पास कब जाऊं, पापा कब मुझे छोड़ेंगे। और इसको सबसे ज्यादा आफत हो रही है ट्राइपॉड पकड़ने की। आपसे बता रहा है कि छुटका आ गया आपके पिंजरे में से। इसको आफत मच रही है कि मैं ट्राइपॉड पकड़ लूं किसी तरह, क्योंकि मैं ट्राइपॉड रूम में कम लेके आती हूँ, इसके सामने लगाती नहीं हूँ, वरना ये खींच के पकड़ देता है नीचे से। और आज ना मेरे से हाथ में ऐसे फोन लेके बात हो नहीं रही थी, हाथ दुखते हैं मेरे बहुत ज्यादा, तो इसलिए ट्राइपॉड लेके आई थी। आ जा त्रिशु, आ जा। आई आई, देखना कैसे खिल गया मेरा बच्चा। तो भाई हाँ, राधे राधे करो, चलो राधे राधे करो सबको। हाँ, चा 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 चा, राधे 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 कर दो। मामा बोलो, मामा बोलो सबको, मामा। हाँ वो आप हो, मैंने देख लिया, मामा। देखो यूं ही बताता रहेगा बार बार, वो मैं बैठा हूँ। इनको ये बता दो मेरा बेटा कितना बड़ा। जाने दे पापा को, पापा पूरा नहीं बोला गया, पापा पूरा नहीं बोला गया, पापा उनको बता रहा है, पापा पापा बोल रहा हूँ, पापा जा रहे हैं। ये क्या करिए गंदी बिंदी। त्रिश मामाम कर दो सबको, छोड़ना निश्चय भैया का हाथ। मामाम करो, मामाम मामाम करो, मामाम। राधे राधे कर दो, राधे 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 करो, राधे राधे करो, राधे राधे। पापा पापा, अब एक दो दिन से ना पापा बाबा का भैम हो रहा है रूम में, ऊपर जो हम दोनों की फोटो है ना। पापा पापा पापा, कहाँ है पापा, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा बाय कर दो, पापा को बाय 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 गुड नाइट पापा। अभी से तू गुड नाइट, आई लव यू मामा, मामा बाय।